नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मैंने टेलीग्राम की चैनल में दे रखी है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है। बाद में आपको सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग लिखना है और ये जो चैनल है वो आपको खोल लेनी है। तो इस चैनल में ये वीडियो के जो लिंक है उसके नीचे ही मैं प्रोजेक्ट फाइल दे दूंगा, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अभी प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद एक दूसरी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है ज़काइवर एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेनी है। बाद में दोस्तों, आपने जिस भी फोल्डर में ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो डाउनलोड करके रखी हो वो फोल्डर आपको खोल लेना है। तो आपके पास एक ऐसी रार फाइल आ जाएगी। तो दोस्तों, उस रार फाइल पर आपको इस तरह क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर लेना है। तो जब भी आप एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक करते हो तो सबसे पहले तो पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखना है, उसके अंदर जो बीच बीच में पासवर्ड डाला गया है वही पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है। तो मैं अभी पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैंने अभी पासवर्ड डाल दिया है, अभी मैं ओके कर दूँगा। तो दोस्तों, ओके करते ही आपके पास एक zip फाइल आ जाएगी। बाद में दोस्तों, आपको बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको जो मेन एप्लीकेशन है नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करके आपको ओपन कर लेनी है। तो नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको सबसे पहले तो यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करना है, लॉर्ड प्रोजेक्ट zip लिखा है वहाँ क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल के फोल्डरों में चले जाना है। तो वहाँ से आपको zip फाइल है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो zip फाइल हमने एक्सट्रैक्ट की थी वो zip फाइल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दी है। और यहाँ पे अतुल 1 2 3, तो दोस्तों हमने जो zip फाइल एक्सट्रैक्ट की थी वो zip फाइल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है और ये zip फाइल नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन में यहाँ ऊपर आ गई है। अभी दोस्तों, zip फाइल आपको नॉर्ड वीडियो एप्लीकेशन में खोल लेनी है। तो दोस्तों, मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल है उस पर क्लिक कर लिया है। अभी आपको यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सभी फ़ोटो देख सकते हो जो कि मैंने नाम के साथ डाला हुआ है। तो आप आसानी से कोई भी फ़ोटो चेंज या डिलीट कर सकते हो। अभी दोस्तों, आपको यहाँ से वीडियो के आगे इस तरह आपको आ जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो दो फोटो यहाँ पे जो मेन है, एक ए वाला और एक जो PNG टेक्स है। तो PNG टेक्स का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ए वाला जो फ़ोटो है उसका नाम योर फोटो करके मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ से फ़ोटो चेंज करके दिखाऊंगा। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए सबसे पहले जो फ़ोटो आपको चेंज करना है वो फ़ोटो पर क्लिक करना है। बाद में आपको यहाँ तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और रिप्लेस पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है
और यहाँ से तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और इमेज में चले जाना है तो आपके मोबाइल के सभी फोल्डर यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपको कोई भी फ़ोटो PNG फ़ोटो या फिर कोई दूसरा फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो आ गया है। अभी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से वीडियो के आगे जाना है। तो यहाँ देख सकते हो ये फ़ोटो चेंज होके आ गया है। अभी आप इस फ़ोटो को इस तरह आजू बाजू कर सकते हो, ऊपर नीचे इस तरह आप कर सकते हो। उसकी जो साइज़ है यहाँ से आप बड़ा और घटा सकते हो, इतना कर लेना है। बाद में दोस्तों यहाँ से मैं थोड़ा पीछे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है उसको मैं चेंज करके दिखाऊँगा। तो PNG टेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है, रिप्लेस पर क्लिक करना है, यहाँ पे तीन लाइनिंग पर क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ से आपको इमेज में जाना है और यहाँ से आपको जो PNG टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैं अभी टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है जो PNG टेक्स्ट है। तो यहाँ पे मैं इस तरह आ जाऊँगा और यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है, ट्रांसफॉर्मर 3D लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे और इस फ़ोटो को थोड़ा ऊपर कर देंगे और इसकी जो साइज़ है यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, इस तरह आपको कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फ़ोटो है वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप सॉन्ग ऐड करना चाहते हो तो यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है, लोड फ्रॉम फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और ऑडियो फाइल में चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपके मोबाइल के सभी सॉन्ग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी 30 सेकंड का सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है और ये जो सॉन्ग है वो आ गया है। अभी दोस्तों ये जो वीडियो है उसको सेव करना है। तो वीडियो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।